नगर निगम चुनावों को लेकर भाजपा ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है, जिसमें पूर्व में कराए गए सरकार के विकास के कार्यों का हवाला दिया गया और ये कहा गया है कि आगे भी यदि पार्टी प्रत्याशी को जीत मिलती है तो विकास के कार्य बढ़ाए जाएंगे। भाजपा कार्यालय में सांसद जनार्दन मिश्रा, विधायक राजेंद्र शुक्ला, जिला अध्यक्ष अजय सिंह पटेल और पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता की उपस्थिति में अपनी प्राथमिकताएं गिनाई गईं, जिनमें 6 पदों के इस संकल्प पत्र में 4 पन्ने पूर्व में किए गए कार्यों का ही गुणगान है, जिसमें रीवा जबलपुर, रीवा प्रयागराज, रीवा बनारस, रीवा सीधी सहित अन्य जगहों के लिए बेहतर सड़कों के निर्माण, महानगर की तर्ज पर फ्लाईओवर, बिजली व्यवस्था और मीठे पानी की व्यवस्था, वहीं व्हाइट टाइगर सफारी, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित अन्य विकास कार्य संकल्प पत्र में रीवा को रीवा रिवर फ्रंट, रतहरा तालाब का नया स्वरूप, इको पार्क, एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र, न्यू सिविल लाइन पार्क, 56 मार्केट, इंदौर की तर्ज पर मार्केट, नया सर्किट हाउस में सेंट्रल लाइब्रेरी, जिला अस्पताल में ओपीडी, मल्टी लेवल पार्किंग सहित अन्य कार्य करने का संकल्प पत्र जारी किया गया। वही पत्र जारी करते समय भाजपाइयों ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देने का काम शुरू हो गया है, जो बसे हुए थे लेकिन पट्टा उनके नाम नहीं था, तो धारणा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 254 लोगों को पट्टे मिल गए हैं और लगभग 2000 आवेदन ऐसे हैं जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है और इसमें 5% जमा करने पर उनको पट्टा मिल जाता है। मान लीजिए कोई 1,00,000 रुपए की कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से ज़मीन पर कोई गरीब काबिज है या कोई भी व्यक्ति काबिज है और यदि वो 5% जमा कर देता है तो वो उसको पट्टा मिल जाएगा। इसको गरीबों में ये बहुत लोगों ने तत्परता के साथ पैसा जमा किया है। 1,00,000 रुपए की ज़मीन है तो 5,000 रुपए जमा कर दिया, पट्टा हो गया और पट्टे मिलने के बाद प्रधानमंत्री आवास से 2,50,000 रुपए मिलने की उनकी पात्रता हो जाती है। रीवा शहर में 5,000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना से 2,50,000 रुपए स्वीकृत हो गए हैं। आने वाले दिनों में लगातार सर्वे होकर नए नए DPR बन के, तो सरकार की, मोदी जी की सरकार और राज्य सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, संबल योजना है। अब संबल योजना में गरीब व्यक्ति के बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में फीस सरकारी खजाने से कॉलेज में आती है। TRS कॉलेज, साइंस कॉलेज में आप पता करिए तो लोग बताते हैं कि संबल के इतने बच्चों की 1,00,000 रुपये फीस आ गई। तो इसलिए इन तमाम योजनाओं को ठीक प्रकार से चलाते रहना जो जनता के कल्याण की है और विकास के, वो सारे काम, बहुत कुछ काम तो हम लोगों ने पूरे कर दिए हैं लेकिन और भी जैसे बहुत से ऐसे काम हैं जिनको हमें गति देनी है, उन सब कार्यों को गति देने के लिए जनता के बीच में हम लोग इस संकल्प पत्र के माध्यम से जा रहे हैं और हम उनको ये बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों ने काम करके दिया है वही आने वाले दिनों में जो लिख रहे हैं वो पूरा कर पाएंगे। अभी बंद तो गई, अब क्या बनना है? लोग कहते हैं इतनी शानदार सड़क बन गई है, देखिए नहीं बनाएंगे तो आप कहेंगे बनाते नहीं है और बनाते हैं तो आप कहेंगे क्यों बनाते हैं। एक बार बन गई तो 4 साल चलनी चाहिए लेकिन वो चलती नहीं है। सार्वजनिक जगहों पे जैसे अभी आपने गर्मी में प्याओ है ना, गर्मी के आपके सवाल को उन्होंने गंभीरता से ले लिया, दूसरा प्रश्न करने लगे। किसको माना जाता था वो काम करने की बता के हमने ये बताया है कि हम लोग वो लोग हैं जो इस प्रकार के कठिन काम को भी जमीन पर उतार कर पूरा कर सकते हैं। पहले हमने इस संकल्प पत्र में अपनी प्रामाणिकता को प्रदर्शित किया है और उसके बाद आने वाले दिनों में जिससे लोग हमारे संकल्प पत्र भरोसा करें। देखिए कहने के लिए तो कोई भी कह सकता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेने की योजना बनाई गई, कई लोगों ने दिया, ये महापौर के प्रत्याशी भी उस समय नेता प्रतिपक्ष थे, अपने को कहते थे और सारा संचालन इनके हाथ से होता था, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। तो इन 15 महीनों की सरकार में कांग्रेस के प्रत्याशी ने, कांग्रेस के सरकार ने जिस ढंग से रीवा को लूटने का काम किया, रीवा के लोगों को बर्बाद करने का काम किया, ये जो सीवरेज की बात आप उठा रहे हैं वो अपने उसमें भी कह रहे हैं, तमाम प्रचार में भी, उस ठेकेदार को लूटने का काम किसने किया, उसके जाकर के पूछे उससे कि उसकी दुर्गति कैसे हुई, क्या हुआ। तो ये सब कुछ आज जो कुछ हो रहा है ये केवल और केवल लूट के लिए चुनाव लड़ा जा रहा है कि हम किसी तरह से अगर एक बार मौका मिल जाए तो हम इस नगर को लूट लें।
पैसा क्योंकि मोदी जी का, शिवराज जी का, राजेंद्र शुक्ला जी के प्रयासों से आने वाला है, वो तो पैसा आएगा, पर लूटे लूट लें इस पैसे को। 98 करोड़ का पेयजल की योजना आ रही है, वो कह रहे हैं मीठा पानी देंगे, और इसमें कितना लूट का हिस्सा हमको कितना मिल जाएगा, इसकी तरकीब को ढूंढ रहे हैं। ये सारा व्यवस्थाएँ जो हैं, ये इनके 15 महीने के कार्यकाल में जो आज महापौर के प्रत्याशी हैं उनके आचरण को देख लीजिए, और आप सब उन चीज़ों के गवाह हैं, उन चीज़ों को दिखाने वाले हैं, छापने वाले हैं, और उस आवाज़ को उठाने वाले लोग हैं। इसलिए इनके आचरण और व्यवहार को भी देखने की ज़रूरत है कि जो लोग आज फिर से महापौर सरकार में फिर महापौर बनना चाहते हैं, उनका पार्षद रहते उनकी सरकार के संरक्षण में जिस तरह का भ्रष्टाचार पला पोसा गया, वो उससे रीवा की जनता वाकिफ है, और नहीं है तो आप लोग वाकिफ करिए उनको। ये 15 महीने में इन्होंने लूटा है, लूट के अलावा कुछ नहीं किया है, इसलिए इनको समर्थन की कोई समर्थन न किया जाए। और राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में रीवा ने शहर ने जिस ढंग से विकास किया है वो आगे बाधित ना हो,